कि आज आज शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हम इसके विरोध में इस डेमोक्रेटिक आंदोलन के आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो और आज हम छोटी सी डिमांड लेकर लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था करी है। हम लाल बाजार चले जाते तो कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रोक के हमें बाध्य किया गया यहाँ पे बैठने के लिए, इससे जनता को तकलीफ हो रही है। हमारी छोटी सी डिमांड है कि आप स्टूडेंट्स को छोड़ दें। देखिए आज आज शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हम इसके विरोध में इस डेमोक्रेटिक आंदोलन के आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट